वेलकम टू हिंदी व्लॉग। तो अभी हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं और मैं आपको अपने होम स्टे का नाम बता देती हूँ, ससोमा होम स्टे। एक बार दिखा देती हूँ ये कैसा दिखता है। और पैंगोंग का सफर अच्छा रहा, थोड़ा बुरा भी रहा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। पता नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। और ये है वहाँ, वो हिमालयन कैटेगरी है। इस साइड किचन वगैरह है खाने के लिए, खाने के लिए बहुत अवेलेबल थे। इधर है बड़े रूम और एक इधर है बड़ा रूम, बाकी ये सारे थोड़े छोटे रूम है 3000 के। बड़े वाले का प्राइस मुझे पता नहीं है कि क्या है, छोटे वाले का 3000 है। ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड मिल जाएगा आपको। और अभी चलते हैं यहाँ से, देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। हानले, हानले से आगे सोचते हैं क्योंकि हानले में इतने अच्छे होम स्टे हैं, कहाँ की समस्या है, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे। चलते हैं, हम बने रहना है ये ब्लॉग से। बाय बाय। ये है हमारा रूम, अभी निकलने की तैयारी है। थोड़ा मेसी रूम है और बेड मिल जाएगा आपको और बाथरूम अच्छा बना हुआ है। तो ये था हमारा रूम और चलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंकॉक। अभी हम अपने गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं, सासोमा गेस्ट हाउस, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, शायद हानले और सो मिलीरी सोकर की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं रास्ता कैसा है, कितना आगे जा सकते हैं और कहाँ पे गेस्ट हाउस मिलेगा वहीं पे स्टे करेंगे। बढ़िया अगर गेस्ट हाउस मिल जाएगा तो, कोशिश हानले की है, बाकी देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो गाइस, जियो के नेटवर्क आ गए हैं पैंगोंग पे, आपको आराम से मिल जाएंगे, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क आ रहे हैं फुल, 4G के टावर भी लग चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा आपका। शायद मे भी ब्लॉक कर रखा है किसी रीज़न से, बट कॉल कर सकते हो अपने अपने घर में, कॉल करनी है या कॉल आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। फुल 4G के LTE लिखा हुआ आएगा लेकिन नेट नहीं चलेगा आपका बिल्कुल भी। तो अभी हम निकल रहे हैं हानले की तरफ और ये हमारे लेफ्ट साइड में पैंगोंग लेक, और सुबह सुबह स्नोफॉल हो रही थी गाइस यहाँ पे अभी हम निकलने से 10 मिनट पहले, हल्की हल्की, क्योंकि ऊपर राइट साइड में जो है मौसम क्लाउडी हो रखा है और शायद मे भी इसलिए स्नोफॉल हो रही थी। यहाँ बारिश भी होती है काफ़ी, स्नोफॉल भी होती है। अभी भी सामने से स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की, सर आपको गोपरों में नहीं दिखेगा लेकिन मेरे को दिख रहा है हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। और जून का महीना है गाइस, ठंड तो है ही यहाँ पे, पैंगोंग में तो होती है ठंड तो 12 महीने ही। और जो गेस्ट हाउस था सासोमा गेस्ट हाउस, वो उसका जो प्राइस था वो था 3000 रुपीज़, इंक्लूड ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ठीक था। ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बेकार भी नहीं था, ठीक था। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, इसलिए एक दिन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना ये है गाइस कि ये रोड कितनी आगे तक है, त्रिशूल तक बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है कि मान मिनार के लिए जाएगा आगे, शायद वहाँ तक शायद हो, बाकी कुछ कह नहीं सकते कितना आगे होगा, रोड कितना आगे तक बना हुआ है। और जो हो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको दूंगा कि रोड कितना है और अब कैसा रोड है, आप आ सकते हैं नहीं आ सकते, नेटवर्क कनेक्टिविटी है तो कितनी है और कैसे है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। नेट चल नहीं रहा है तो पता नहीं लगा पा रहा हूँ मैं कि हानले दूर कितना है, मे भी मुझे लगता है 150 से 200 के बीच में होगा। और रास्ते में हमको शायद पेट्रोल भी लेना पड़ जाए कहीं से, क्योंकि पेट्रोल की दिक्कत हो जाएगी। अब पेट्रोल हमने डलवाया था नुब्रा से और नुब्रा से हम पैंगोंग आ गए और अब पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया है और अभी हमें जाना है काफ़ी आगे। अगर हम यहाँ से उल्टा ले की तरफ निकल जाए तो फिर तो पेट्रोल की ले या फिर नुब्रा की तरफ निकल जाए, नुब्रा क्या करने जाएंगे, ले की तरफ निकल जाए तो पेट्रोल कैरी करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि इतना तो आराम से चली जाएगा, बट हालने में पेट्रोल मिलना ज़रूरी है। देखते हैं,
और गाइस हम मान विलेज में आ गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप बहुत सारे होम स्टे हैं और बहुत सारे गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। देखो टेंट भी लगे हुए हैं, हट्स भी हैं यहाँ पे, अभी और भी बन रहे हैं, आने वाले एक दो साल में बहुत अच्छा बन जाएगा। और देखो गाइस टेंट लगे पड़े हैं, टेंट भी मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस भी पीछे बहुत सारे हैं। नेटवर्क यहाँ नहीं आ रहा, तो वहीं तक लाइन पैंगोंग तक ही आ रहा था, आगे कहीं नेटवर्क नहीं है। गाइस देखो कितनी बड़ी हो गई और कितनी सुंदर लग रही है पैंगोंग लेक। नेटवर्क यहाँ आ रहे हैं जियो के, मान विलेज में नहीं है, नहीं अब चले गए, पीछे आ रहे थे एक दो चले गए। इस रोड का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि इस रोड पे जब से मैं आया हूँ तब से कोई मेरे को दिखा नहीं है, तो मेरे को थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है। बाकी देखते हैं मिराग विलेज में जाके एक बार, रोड तो है ये, और पेट्रोल का ही पूछना पड़ेगा मिराग में अगर मिल जाएगा तो। पहले का रास्ता नीचे से होके जाता था, ये नया रास्ता बनाया है, और रास्ता कहाँ तक अवेलेबल है ये मालूम नहीं, देखते हैं। पहले रास्ता लेक के साथ साथ नीचे से होके जाता था, आपने वीडियो में भी देखा होगा वो जा रहा नीचे से रास्ता। पुराने रास्ते पे आ गए हम, और ये जो विलेज है मेरे सामने आपको दिख रहा होगा वो है मिराग विलेज शायद, और उधर वो रोड थी, वो काम चल रहा है वहाँ पे क्रेन के जेसीबी का, और आगे शायद रोड सही हो जाएगी। चलो इसी बहाने लेक के नियर जाने का मौका मिला। पहले गाइस ऐसी रोड थी पूरी, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गई पिछले दो साल में। एक वाटर प्रूफ वाटर क्रॉसिंग मिली है बंदी वाली, अभी देख के आ रही है मी की रास्ता कैसा है आगे, आगे से जाके देखना कोई रास्ता है क्या। पानी देखो गाइस, इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा है, देखो ट्रक के आधे टायर डूब गए तो अपन हिमालयन के। ठीक है मिराग पैंगोंग, तो भाई रास्ता देखने गई है हमें क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और पैरों में घुस जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। कल भी घुस गया था, तो मैं अगर रास्ता अवेलेबल है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से ना जाया जाए, क्योंकि यहाँ पानी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी है। हमें अब इस वाटर क्रॉसिंग को ही पार करना पड़ेगा। तो देखते हैं साइड साइड से मैं निकाल लूंगा आराम से, मुझे आइडिया है पूरा। एक ब्रिज बना रखा है लकड़ी का, पतला सा, ऊपर उसको फायदा नहीं चढ़ेगी, नहीं ऊपर टूट जाएगा वो। गाड़ी जा रही है, देखता हूँ कितना पानी बता देगी अभी, क्योंकि उसका तो आइडिया नहीं है, गाड़ी से तो पता चल जाएगा पत्थर हैं तो कितने हैं। गाइस मैं चलाते जाऊंगा, मेरे को कोई वैसे कोई डर नहीं है, बस बाइक नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, रीज़न ये है कि कोई है भी नहीं, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी ज़्यादा। अब निकाल ली जाए, देखी जाएगी, निकालूं नहीं है गाइस, मैं निकालता हूँ इसको यहाँ से ना। निकाल दी गाइस, हल्का सा माइनर इसी पैर में, हल्का माइनर, एक आधी बूंद गई है। पानी जितना मर्जी हो, पानी का डर नहीं था, पानी का डर नहीं था, पत्थर का डर था कि अंदर पत्थर है या नहीं है, पत्थर से बाइक ना पड़ती है। तो गाइस फाइनली मैंने निकाल दी, पानी से डर नहीं लगता, पानी
क्या नीचे पत्थर कितने हैं और वो बाइक को ना हैंडल घुमा देते हैं तो वहीं तो उल्टी हो जाएगी बाइक। बस उसी चीज़ का डर था कि कहीं वो ना हो जाए। पानी से तो डर नहीं लगता, बस पत्थरों से डर लगता है, ये पत्थर ना अपनी तरफ खींच लेते हैं। जिले गाइस आगे मुझे लगता है अब कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं आएगी क्योंकि अब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और ये रोड भी काफ़ी अच्छी बना दी गई है, अब मतलब बन रही है ये रोड मिराग विलेज की, 2 से 3 महीने में बन जाएगी बहुत आराम से। एक और वाटर क्रॉसिंग लगता आई है छोटी सी, इसको तो निकाल ही लेंगे। तो भाई ये रास्ता बंद कर रखा है, सीधा रास्ता था, अब कोई डाइवर्जन है देखते हैं क्या है। तो गाइस ये रास्ता है थोड़ा सा डाइवर्जन का और नीचे से लेके जानी है। अब तो वैसे पुराना रास्ता आ गया पोल के पास पास से, आपको सबको याद होगा, सबने पिछला किसी ने वीडियो में देखा होगा जब ये रोड नहीं थी 2-3 साल पहले ये पोल लगे हुए थे, सब इसी को फॉलो करते थे। ये पीछे से रोड आ रहा, तो अब हम पुराने रोड पे ही आ गए हैं, नया रोड अब आगे बंद हो गया है, देखते हैं डाइवर्जन कहाँ है उसका। ये देखो जरा सा था और कितना घुमा दिया इसने और ये रोड मिल गई फाइनली, थैंक गॉड। ये आखिरी व्यू है पेंगोंग का, उसके बाद आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद वो चाइना में मुड़ जाती है। तो ये आ रही है यहाँ से पीछे से पेंगोंग से और वो लेफ्ट में चली गई और वो चाइना चली जाती है। ये आखिरी व्यू है, उसके आगे चिसुल पड़ता है, सीधी सीधी रोड है ये। निकलते हैं गाइस यहाँ से, ये आखिरी व्यू था पेंगोंग लेक का, उसके बाद वो चाइना में मुड़ जाती है। पेंगोंग से चिसुल का रास्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना दिया है, पूरी रोड बना दी है। नेटवर्क तो नहीं आ रहे, अभी बचने हैं 11 और चिसुल पहुँचने वाले हम। चिसुल यहाँ से रह गया है 10 से 12 किलोमीटर होगा, पीछे 15 किलोमीटर का बोर्ड था, उससे हम आगे आ गए काफ़ी। और आप व्यू देखो सामने का कितना अल्टीमेट लग रहा है। पेंगोंग है नहीं, पेंगोंग लेफ्ट में मुड़ गई चाइना की तरफ और ये पुराना रास्ता जो जा रहा है ओल्ड, और उसी के साथ साथ निकाला है नया रास्ता, ये रहा ओल्ड पीछे से जा रहा है, ये था गाइस पुराना रास्ता चिसुल जाने का, और उसी के ठीक साथ साथ इन्होंने नई रोड का रास्ता बना दिया है। कितना सुंदर लग रहा है गाइस। तो गाइस हम चिसुल विलेज पहुंच चुके हैं, मेरे लेफ्ट साइड में चिसुल विलेज है। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे जियो के टावर आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं और इंटरनेट भी चल रहा है चिसुल में, पेंगोंग में नहीं चल रहा था, चिसुल में विलेज के बाहर ही पकड़ लिया इसने जियो ने क्योंकि गूगल मैप हरकत में आ गया। और हमें जाना है ऊपर, भैया पेट्रोल पंप है कहीं? पेट्रोल पंप हाँ किसी में तो है, मिलता है ना पेट्रोल? बस्ती में आगे नहीं है पेट्रोल कहीं? चलो आगे देखता हूँ एक बार कहीं मिल जाए तो। गाइस मुझे लगा पेट्रोल पंप होगा, क्या करें। तो गाइस एक बार बस्ती में होकर आते हैं, क्या पता आगे तो कुछ खत्म ही हो गया है।
एक बार हुआ आते 5-10 मिनट लगेंगे, क्या पता मिल जाए। क्योंकि चुशुल ब्रिज तो गाइस हमने क्रॉस ही कर दिया यहाँ से। देख लेते हैं यहाँ कहीं, शायद मुझे लगता है गाइस यहाँ पे बस्ती में, बस्ती में पेट्रोल मिल जाना चाहिए। ब्लैक में रखते हैं गाइस यहाँ पे ना लोग। 3-4 लीटर चाहिए, 3-4 लीटर। तो गाइस पेट्रोल हमें शायद मिल गया यहाँ पे, और अंदर बहुत सुंदर सा कुछ बना हुआ है, शायद मुनस्सी है ये, त्रिशूल की मुनस्सी होगी शायद। अरे ये क्या हो गया, तो गाइस हम त्रिशूल से निकल चुके हैं। त्रिशूल से 2 रास्ते निकलते हैं, एक वाया सागला और जो जिसके रास्ते में पड़ता है रिजांगला वॉर मेमोरियल है कोई ऐसे करके। तो हम उस रूट से नहीं जा रहे हैं, वो दूसरा रूट है, वो रोड कच्चा है, आर्मी ऑफिसर ने बताया त्रिशूल में कि ये एक नया रास्ता बना है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन रूट बेटर है, तो इसलिए हम सागला वाले रोड से ना जाकर इस रूट से आ गए। और उन्होंने बताया कि यहाँ से शॉर्टकट भी निकलता है, तो ठीक है हम इसलिए यहाँ पे आ गए। और रोड पक्का है ये, मतलब बढ़िया बना हुआ टार्मिक रोड। तो जब आप आओगे पैंगोंग से हालने की तरफ, तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक वाया तासागला सागला और एक ये दूसरा। तो मैंने तो दूसरा रास्ता लिया, सागला वाला रोड नहीं लिया, क्योंकि वो कच्चा रोड है बिल्कुल, और ये बिल्कुल पक्का रोड बना हुआ है, तो इसलिए मैं इधर से आ गया। पहले मैं उधर से ही जा रहा था, रिजांगला बहुत में विलेज से होता हुआ। ये भी ठीक है रोड, बाकी आगे कैसा होगा वो मैं बता दूंगा आपको, यहाँ से तो सही है। तो भाई देखो अभी कितना ऊपर जाना है हमें, गाड़ियाँ चल रही हैं ऊपर और हम अभी नीचे बहुत। कहाँ से आए हैं मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा पहाड़ चढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट, है ना, चोटी पे पहुँचने वाले हैं पहाड़ की। बोलिए गाइस कहाँ से आए, बिल्कुल नीचे से जिग-जैग करते हुए। इस पहाड़ ने तो पुरने टोक किया दिला दी, वो भी गाइस ऐसी था, जिग-जैग करता हुआ ऊपर लेके चला गया, ऊपर जाके सीधा ऐसा हो गया, ये तो नहीं होगा ऐसा पता है मुझे। आगे बहुत सारी गाड़ियाँ चढ़ रही हैं, बहुत जल्दी अपन उनको क्रॉस कर जाएंगे। अरे भाई साहब, हाँ भाई देख रहे हो कहाँ से आ रहे हम और कैसे झिकझक करते हुए कहाँ पहुँच गए, लीव ही नहीं हो रहा मेरे को तो, मैं तेरे ऊपर आ गया। अरे भाई साहब अल्टीमेट नज़ारे, अल्टीमेट गजब। तो पास आया, आई डोंट नो कौन सा पास है ये, बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर है और इससे ऊपर अब कुछ नहीं हो सकता, टॉप पे पहुंच चुके हैं बिल्कुल। वाव देखो गाइस सामने, अब ये कौन सी लेक है पता नहीं, वो नहीं है जो आप सोच रही हो, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन सी लेक आती है ये, बहुत ही सुंदर लग रही है जो भी है। अरे भाई साहब मज़ा ही आ गया आज का रोड तो। भाई साहब हम वहाँ से आ रहे हैं और ये देखो सामने लेक कितनी सुंदर लग रही है। आई थिंक ये जो स्नो कवर्ड माउंटेन है इन्हीं में से पिघल के यहीं आ जाती होगी,
कितनी सुंदर है, ग्रीन कलर की लग रही है प्योर। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से आगे। मजा आ गया एक बार देख के इसको, है ना। और लेक अब ये रह जाएगी पीछे, क्योंकि अब हम निकल जाएंगे यहाँ से राइट। मैं आखिरी बार आपको लेक दिखाता हूँ, और सामने का भी देखो गाइस कितनी बर्फ पड़ी हुई है। जो देखो पहाड़ कैसे हैं, और वो सामने लेक। अब हम निकल जाएंगे राइट साइड में, और अब हम लेक नहीं देखेंगे अब हमें। और ये देखो गाइस ऊपर, मजा आ गया गाइस यहाँ से आके। रात भी कभी भी हानले की तरफ आए तो इसी रूट से आए, ये रूट बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे इस रूट से। एक लेक मिल जाएगी, स्नो क्लैप माउंटेन्स मिल जाएंगे, सुंदर वैली मिल जाएगी, लेक अभी भी दिख रही है गाइस इतना दूर आने के बाद भी, और सामने स्नो। और वो पहाड़ पे ऐसे लग रहा किसी ने ना पेंटिंग कर रखी हो। बर्फ को देखो कैसी शेप की बनी हुई है, एकदम कुछ डिफरेंट शेप ही है बर्फ की। और ये गाइस पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, इतनी ऊपर आ गए मैं क्या बताऊँ, इतनी देर हो गई, एक घंटा हो गया चढ़े जा रहे, पहाड़ का कोई एंड ही नहीं है। अब तक के जितने भी पासेस में चढ़ा हूँ उन सबको अगर एक जोड़ दिया जाए ना, तब भी मुझे लग रहा है सारे पासेस कम पड़ जाएंगे। कितनी स्नो है यहाँ पे, ये देखो गाइस स्नो। और ये बर्फ कैसे ऐसे लग रहा है कोई डिजाइन बना रखा हो। ये देखो गाइस डिजाइन वाली बर्फ पहली बार देखी, ये देखो ये कैसे डिजाइन बने हुए। और वो सामने लेक और गाड़ी आ रही है ऊपर, और यहाँ ठंड भी लग रही है, मुझे लग रहा है कहीं उमलिंगला तो नहीं आ गए। उमलिंगला घोषित कर दो इसे, वो बहुत ऊपर है ये। मजा आ गया गाइस यहाँ आके ना। एक टाइम पे ये सामने डिजाइन वाला पहाड़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डिजाइन कर रखा हो, बहुत ऊपर था। अब ऐसा लग रहा है कि इसके बिल्कुल लेवल पे आने वाले हम। और ठंडी ठंडी हवा, बर्फीली हवा चलती चली जा रही है, कम से कम 15-16 हज़ार फीट पे तो आ गया आई थिंक। शायद ऊपर एक पहाड़ शायद मिल जाए हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लग रहा है शायद वो सामने कोई पहाड़ से हो सकता है, कोई देखते हैं गाइस। मैं तो पहली बार आया हूँ, अगर कोई और भी पहले आया है इस रूट पे तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैंने भी चेक किया, ये होरला पास है कोई, HORLA, होरला पास की तरफ जा रहे हैं हम वहाँ से। तो अगर कोई जानता है ये कौन सा पास है, क्योंकि मैंने तो पहली बार नाम सुना है होरला पास, तो हम होरला पास वाया होरला पास की तरफ से जा रहे हैं, देखते हैं। क्योंकि मैंने अभी जस्ट देखा चेक करके, ये कोई होरला पास करके है शायद, ये आ गया कोई पास। कौन सा पास है, वेलकम टू कसागला पास टॉप, कसागला टॉप। मज़ा आ गया, तो रुकते हैं गाइस। सो हे यूट्यूब फैमिली, तो भी हम लोग आ गए कसागला पास पे, और यहाँ पर